देखिए क्या कर रहा दर्शाइए कि ये तीन जो बिंदु दी गई हैं ये संरेख हैं, और बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात भी ज्ञात करना है। चलिए तो मान लेते हैं कि माना ए जिसका निर्देशांक है 1 - 2 - 8, बी जिसका निर्देशांक है 5 - 0 - 1, और सी जिसका निर्देशांक है 11 - 3 - 7। तीन बिंदुए हैं, ठीक है, सिर्फ हम लोग इन्हें बिंदु मान लेते हैं, हमें संरेख दिखाना है। तो चलिए एक एक करके ए बी बी सी और ए सी निकालते हैं। तो वेक्टर ए बी की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी बताओ तो 5 - 1 i कैप +0 - -2 यानी +2 j कैप, और फिर -2 - -1 तो +8 हो जाएगा k कैप, यानी यहाँ से आ जाएगा 4 i कैप प्लस का 2 j कैप और प्लस का 6 k कैप हो जाएगा। अच्छा वेक्टर बी सी की बात करेंगे तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा, 11 - 5 i कैप +3 - 0 j कैप और +7 - -2 यानी +2 हो जाएगा k कैप, यानी आ जाएगा यहाँ पर कितना, 6 i कैप प्लस का 3 j कैप और प्लस का 9 k कैप। अच्छा वेक्टर ए सी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 - 1 i कैप +3 - -2 तो +2 हो जाएगा j कैप और +7 - -8 तो +8 k कैप हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 i कैप प्लस का 5 j कैप प्लस का कितना 15 k कैप हो जाएगा। चलिए तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल देते, तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √4² + 2² + 6² 4² 16 और 2² 4 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 6² 36, 36 और 4 40 और 16 56 हो जाएगा यहाँ पर। 56 का मतलब हो गया 2√14, 14 * 2 = 56 होता है ना जी। बी सी का मैग्नीट्यूड देखो, √6² + 3² + 9² तो यहाँ पे हो जाएगा 36 + 9 + 99 81, 81 और 9 जोड़ देंगे 90 90 और 36, यहाँ पे √126 आ जाएगा। तो इसे आप 3√14 कर सकते हैं। अच्छा अब एसी का भी मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, √ क्या हो जाएगा यहाँ पर 10² + 5² + 15² यानी हो जाएगा यहाँ 100 + 25 + 225, तो इसको इसको जोड़ेंगे 250 और 100 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से 350। तो √350 का मतलब हो जाएगा 5√14, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड का योग जो हो जा रहा है ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए कह सकते हैं कि ए बी तथा सी संरेख है, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बी है ए सी को किस अनुपात में बांटता है, ठीक है, बी ए सी को किस अनुपात, मान लो ए बी सी संरेख है, समझो इस बात को, ए बी सी संरेख हो जा रहा है तो पूछ रहा है कि बी ए सी को किस अनुपात में बांटता है। तो अगर हम लोग ए बी के मैग्नीट्यूड में बी सी के मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं, तो हमें बी सी के मैग्नीट्यूड में सॉरी ए बी के मैग्नीट्यूड में भाग कर देना होगा बी सी के मैग्नीट्यूड से, तो हमें अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो 2√14 / 3√14, √14 कट गया, हमें 2/3 यानी कि हमें अनुपात मिल गया 2:3, इसलिए कह सकते हैं कि बी ए सी को किस अनुपात में, तो 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।